तो 1000 करोड़ में से 700 करोड़ हो गया इसका, टैक्स गया 300 करोड़, उसको लहरने लगेगा, सोचेगा हम घोट जाए। स्विस बैंक में ले जाने में, बीच में मैनेज करने में कितना चल गया? अगर इस 300 करोड़ में से ना, सपोज कीजिए कि आपने कमाया 1 लाख, कितना कमाए? 1 लाख। सरकार ठोक दिया 30% टैक्स, तो 1 लाख का 30% माइनस 30%, क्योंकि 30% क्या है? टैक्स है। आप 12 लाख रुपया सालाना पे तो चल जाएंगे, क्योंकि सरकार आपको क्या जोड़ती है? सालाना। आप 1 लाख रुपया महीना कमाए हैं तो सालाना कितना हो गया? 12 लाख। आप हो गए सुपर रिच। आ जाओ बाबू, आपको ठोक दिया सरकार ने 30%। अभी हम टैक्स स्लैब देखेंगे हम लोग, तब उसमें देखेंगे लोग किस पे कितना परसेंट लगता है। तो आपके पास कितना बचा? 70,000। कमाए कितना थे? व्हाइट बनेला के चक्कर में 30,000 चल गया, खाली उसको ब्लैक मनी से व्हाइट मनी मनी लाके चक्कर में कितना चल गया? 30,000 चल गया। अब आपको सपोज कि आपने कोई गाड़ी ईएमआई पे लिया था या मोबाइल लिया था, उसका आपका 70,000 में से क्या जाएगा? ईएमआई जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा, ब्याज या कोई भी चीज देनदारी, ईएमआई चला गया, ईएमआई चला गया। तो ईएमआई सपोज कीजिए 5,000 था, कितना था? 5,000 या 10,000 था, 10,000 था, तो कितना बचा? 60,000। अब समझिए ये 60,000 आपका क्या हो गया? रियल इनकम। जो 10,000 ईएमआई दिए है ना, ये नहीं अखड़ेगा, क्योंकि इसके बदले में आपने उसका सामान यूज किया। लेकिन टैक्स वाला क्या होगा? लहरेगा खूब भयानक, टैक्स वाला लहरेगा। अभी उतना नहीं लहर रहा, देखिए अभी बताते कैसे लहरेगा। यहां तक तो ठीक है। अगर कोई कंपनी है 1000 करोड़ रुपया उसको कमाई हुआ साल का, कितना? 1000 करोड़। अब वो तो उसका मौद्रिक है, अब इस पे से घटेगा टैक्स, तो 1000 करोड़ में से 700 करोड़ हो गया इसका, और टैक्स गया 300 करोड़। बताइए टैक्स कितना गया और उसको कितना हुआ? आपको लगता है कहियो गवर्नमेंट उसको 300 करोड़ लायक कुछ देगी? ना वो राशन कार्ड पे आपका, ना भाप लेने के लिए लाइन में लगेगा, ना जात के लिए लाइन में लगेगा, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। ना जात से मतलब, ना भात से मतलब, ना सड़क से मतलब, ना सरकारी स्कूल से मतलब, ना सरकारी हॉस्पिटल से मतलब, ना सरकारी बस से मतलब, ना सरकारी ट्रेन से मतलब। उसको जाना होगा तो फ्लाइट से जाएगा, जाना होगा तो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाएगा, बच्चा को पढ़ाना होगा तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा, सरकारी आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में रहने नहीं जाएगा, अपना घर द्वार सब बना ले। उसको लहरने लगेगा कि भैया हमारा ले गई लो 300 करोड़, हमारा तो कुछ दे नहीं रहा। अब आप कहिएगा सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी तो सबका कर रहा है, सिक्योरिटी तो देश की, ऐसा थोड़ी कि पब्लिक चुन चुन के सिक्योरिटी किया जाता है, पूरी देश की सिक्योरिटी की जाती है। ऐसा थोड़ी तुम टैक्स ज्यादा दे रहा है तो वाली अलग से सिक्योरिटी हो गया। अब उसको कितना लहरने लगा? 300 करोड़। अब बताइए उसको परपराएगा कि नहीं परपराएगा? तो उसको एकदम टिश टिश लगेगा, देहात में बोलते एकदम टिश टिश लग रहा है, कोनो दरद दरद उपटता है ना, देहात में एकदम टिश टिश लग रहा है। उसको परपराएगा, कितना करोड़ परपराएगा? 300 करोड़ उसको परपराएगा। अब इसी 300 करोड़ को सोचेगा हम घोट जाए, तो बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं घोटती हैं सब, क्योंकि उनको क्या करना होता है? ऑडिट करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। लेकिन अगर इस 300 करोड़ में से ना बड़े बड़े सीए, बड़े बड़े जितना खपाने वाले हैं उनको बैठाए और कहे कि 300 करोड़ रुपया सरकार को देना है, हम काम करते हैं, हम इसमें से 100 करोड़ देना चाहते हैं, बाकी 200 करोड़ घोट जाना चाहते हैं, तो कहेगा 200 करोड़ घोटने के लिए 50 करोड़ रुपया बांटना पड़ेगा। तो इस 300 करोड़ को घोटने के लिए ब्लैक मनी का रास्ता लेगा, कहेगा भैया हम 300 का 300 तो ना देंगे, अब पूरा 300 घोटियो नहीं पाएगा, कहेगा 100 करोड़ दे देते हैं टैक्स, 50 करोड़ लगा देते हैं मैनेज करने में इधर उधर, और 150 करोड़ पहुंचा देते हैं स्विस बैंक में। कहां हिला दिए? स्विस बैंक में। स्विस बैंक में ले जाने में, बीच में मैनेज करने में कितना चल गया? ले गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? विदेश आप भेजे कैसे पैसवा? जैसे बताएंगे कि हम विदेश भेजे, जैसे इसका करना है स्विस बैंक में ना भेज के विदेश में कोई कारखाना डाल दे,
वहां से स्विस बैंक से पैसा निकालेंगे। आप सोचेंगे इंग्लैंड में जाके व्यापार करें तो इंग्लैंड की गवर्नमेंट पूछेगी पैसा कहां से आया, तो क्या कहो तो स्विस बैंक से, तो कहोगे नहीं इंडिया से, कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं इंडिया से आया तो फोन करे आरबीआई 150 करोड़ लेके घूम रहा हो। आरबीआई कहेगा अंकल जी को उठा लो। अंकल जी उठ जाएंगे, उठा लेगा कि नहीं उठा लेगा, वो कह रहा सर यूपीआई कर देगा। यूपीआई छोट मोट चीज के लिए होता है, यूपीआई करो ना 300 करोड़ रुपया, यूपीआई का सर्वर उठ जाएगा धाए से। यूपीआई से पहले तेरा पास फोन आने लगेगा, कौन है तू 300 करोड़ रुपया यूपीआई कर रहा है, यूपीआई तो तू और जल्दी पकड़ाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया, तो काला धन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इलीगल मनी, देखिए ये कंपनी का इलीगल मनी नहीं था, ब्लैक मनी था। इलीगल तो उल्टा सीधा काम करके कर दीजिए, ये क्या है ब्लैक मनी है। अब छोटा मोटा आदमी को जब टैक्स देना होता है ना तो नहीं अखड़ता है, लेकिन जब 300 करोड़, अब जैसे टाटा 5000 करोड़ टैक्स जो दे रहा है उसको कितना पर आता होगा। उसको एकदम टीस टीस लगता होगा। नहीं तो देहात में कहता है छाती पे दाल रगड़ दिया एकदम, ये 5000 करोड़ निकल गए यहाँ पे। नहीं समझ आ गया आप लोग को, सोचिए हाँ ये सब करिए, दे इतना कहीं पैसा होता है। दाल के होती है इतना कहीं पैसा होता है जी, दे, 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 इतना पैसा नहीं होता। लोग का मैनेजमेंट तो और खतरनाक होता है, बाप हो बाप, ये तनी तनी चीज जोड़ते रहती है सब। आप देखिएगा ना, आपके यहाँ कभी शादी भी पड़ेगा ना तो एने का कपड़ा उपड़ा आएगा और यही कपड़ा कहीं दूसरे जगह देना होगा तो उसमें भी छाटा जाएगा, महंगा हो लो हो दीदी के जैतो। ये दम एकदम खड़ा हवा हो लो, इधर कोनो काम कर फूफा जी।